हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिज्जे की रेसिपी, जिसे हम कढ़ाई में घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बिना देरी के पिज्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। पिज्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए एक रेड कलर की शिमला मिर्ची, प्याज और ग्रीन कलर की शिमला मिर्ची। इन सभी को मैंने एक ही शेप में काट लिया है। एक कटोरी प्रोसेस चीज लिया है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो मोजरेला चीज भी ले सकते हैं। एक कटोरी पिज्जा सॉस लिया है, जिसको मैंने घर पे बनाकर ही तैयार किया है। एक चम्मच चिल्ली फ्लेक्स लिया है, आधा चम्मच ओरिगैनो और एक रेडीमेड पिज्जा बेस लिया है मैंने, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। सबसे पहले हम पिज्जा बेस लेंगे और उस पर पिज्जा सॉस लगाएंगे। देखिए, मैंने पिज्जा बेस पे अच्छे से सॉस लगा लिया है। अब मैं इस पे डालूंगी कद्दूकस किया हुआ प्रोसेस चीज। मैंने यहाँ अमूल का प्रोसेस चीज लिया है और जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। देखिए, मैंने इस पे चीज अच्छे से डाल दिया है। अब डालेंगे इस पे रेड शिमला मिर्च, अब डालेंगे ग्रीन शिमला मिर्च। और अब हम डालेंगे कटी हुई प्याज। और अभी इन सभी के ऊपर थोड़ा चीज और डाल देंगे। ज्यादा चीज डालने से पिज्जा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। अब ऊपर से इसमें चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे। और आधा चम्मच ओरिगैनो डालेंगे। अब हमारा पिज्जा बिल्कुल रेडी है, तो चलिए इसे बेक करते हैं। बेक करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने नमक डाला है। नमक को अच्छे से फैलाएंगे। नमक को अच्छे से फैला के इसके बीच में एक कटोरी रख लेंगे। आपके पास अगर स्टैंड हो तो आप स्टैंड भी रख सकते हैं। मैं कटोरी को उल्टा करके रखूंगी और एक प्लेट में पिज्जा डाल के इसके ऊपर रखेंगे और इसको ढक्कन लगा के धीमी आंच पे पकाएंगे। इसको पकने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगी। 15 मिनट हो गई है, अब मैं पिज्जा चेक कर लेती हूँ। देखिए, चीज अच्छे से मेल्ट हो गया है और हमारा पिज्जा कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। जितना ये देखने में खूबसूरत है, उतना ही खाने में भी टेस्टी है। अगर आप इस तरीके से पिज़्ज़ा बनाकर खाएंगे तो डोमिनोज जाना भूल जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।